लो भैया 50 की चार उठाओ। तो भाई जितनी भी गर्ल्स अगर व्लॉग देख रही है तो भैया 50 की चार उठा लो आके, चुपचाप चार दिन पहनो, चेंज करो। अमीनाबाद में भाई मंदिरों की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, वहाँ पे उस साइड में, इस साइड में। तो नवरात्रि और दीपावली की भाई आप लोग शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। कोशिश करो कि भैया बाइक से आओ, ज़्यादा बेटर है। वेलकम बैक टू अदर व्लॉग ऑफ भारती कैमरा। रोड से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तो भाई थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, हम लोग जा रहे हैं गिम्बल लेने, कहाँ पे? गणेशगंज अमीनाबाद। तो गाइस विंड ब्लास्ट को इग्नोर करना, आवाज़ पे कंसंट्रेट होना, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमको, ऐसा लग रहा है मतलब मोछे गए हो गई ना। पहली बार ब्लॉग देख रहे होंगे आप लोग बिना मोछों के, अच्छा लग रहा है। तो मतलब हम लोग पहुँच गए, कहाँ पे है भाई? सहारा गंज। तो नहीं लगता यार, अंदर है अंदर। तो अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं भाई, पहले जाएंगे हजरतगंज, नहीं हजरतगंज नहीं, जाएंगे अमीनाबाद। अमीनाबाद से गणेशगंज वाली गली में वहाँ पे दो तीन शॉप हैं जहाँ पे हम लोग पहले रेट का देखते हैं, जहाँ पे हमको रेट एकदम बढ़िया मिल जाएगा वहाँ से उठा लेंगे फटाफट से। शायद अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देख लेना जहाँ भी होगी। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये है भाई कहाँ, ये हनुमान सेतु, ये सामने आपको दिख रहा है, ये हनुमान सेतु का गेट। लिटरली भाई हम लोग बाराबंकी में रहते हैं, लखनऊ वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 मिनट का रास्ता है। और भाई ये हनुमान सेतु आप देख रहे हैं ना, आप भी ये हनुमान धाम, हनुमान सेतु बोलते हैं ना, दूसरा नाम हनुमान धाम, यहाँ से एंट्री होती है। तो भाई अभी तक हम तो नहीं गए हैं, बाकी रोहित गया हो भाई, हम लोग अभी हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए। तो होपफुली जब कभी भी हनुमान जी चाहेंगे तो भाई ज़रूर जाएंगे। फिलहाल एक साल से ज़्यादा हो गया हम लोग को नहीं बुलाए भगवान दर्शन देने के लिए। यार आप लोग तो खामा खां ऊपर पहुंचाने लगते हो, अभी वायरल होना है हम लोगों को। तो भाई जैसा भी होगा देखते हैं, कभी ना कभी तो आएंगे व्लॉग में। आप लोग तो व्लॉग देखे होंगे, बहुत सारे लोग भाई कवर किए हैं, हम नहीं कवर कर पाए, कोई बात नहीं। और हाँ एक चीज़ और, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आने वाला है दशहरा और दीपावली, एंजॉय एंजॉय करिएगा। और कचौड़ी पकौड़ी किसी घर बनेगी तो हमको बुला लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम लोग हैं कैसर बाग बस स्टॉप के पास में, वो रहा बस स्टॉप, और यहाँ है पुलिस चौकी। अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है लेफ्ट। ओ अंकल जी, रॉन्ग रूट पे आते हैं अंकल जी, गलत बात। हाँ ठीक, देसी चढ़ गई का। और ये रोड सीधे जाती है आपकी अमीनाबाद। सो गाइस बस पहुंच चुके हैं अमीनाबाद, और भाई साहब जाम देख रहे हो, मतलब क्राउड देख रहे हो। इसका रीज़न पता है? फेस्टिवल, हैप्पी दीपावली और दशहरा। दशहरा का तो कोई खास शॉपिंग होती नहीं है। ये है भैया अमीनाबाद, इस साइड में पूरा अमीनाबाद ही कह लो। लेकिन भाई जो ज़बरदस्त भीड़ है ना यहाँ पे, 100-100 रुपये में हर चीज़ उठाओ। अब मतलब कपड़ों की बात हो रही है, आप लोगों को हम क्या ही बताएं। 50 का दो। और ये है अमीनाबाद की भाई गवर्नमेंट वाली पार्किंग, जो हमेशा पार्किंग फुल रहती है। जब से भाई हम जानने वाले हुए हैं तब से पार्किंग फुल का बोर्ड लगा ही रहता है। ओ अंकल जी, और भाई हम लोग खास इसीलिए, इसी भीड़ को देख के हम लोग भाई बाइक से आए, ना कि कार से, क्योंकि कार भाई यहाँ खड़ी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो सामने चले आ रहे हैं अंकल जी, का ही बताएं हम इनको।
सामने भैया पतंगबाजी हो रही है। जय हिंद। और भाई भीड़ अप्रॉक्स भैया तुमको आपको हमेशा यहीं मिलेगी ऐसी, कभी कभार की बात दूसरी है लेकिन यहाँ पे फिक्स है भाई इतनी भीड़। और बृहस्पतिवार को भाई एकदम सन्नाटा नहीं रहता, बट हाँ कवर लेना है आईफोन के। हाँ आईफोन का कवर भाई अभी हम लोग यहीं से लेंगे, फिर लगाएंगे भाई गुच्ची का कवर। आइसक्रीम खा लो गाइस। चलो भैया पहले भीड़ से निकले फिर आप लोगों से मिले। भाई जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे लोग बुक्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, बुक्स कॉपीज पेन जो भी स्टेशनरी का सामान है सब इस साइड में मिलेगा आपको। और कपड़ों की दुकान भाई इस साइड में होती है, कुछ हैं बुक्स की इधर भी बट कपड़ों की इधर ज़्यादा होती है, स्पेशली फॉर लेडीज और गर्ल्स। हैं ठीक भैया, अपनी फॉर्चूनर लेके कहीं भी घुसे जा रहे हैं। भीड़ चेक करो गाइस, आप देखो भाई अमीनाबाद की भीड़। इनका जरूर आने आए यहाँ पर। लो भैया 50 की 4 उठाओ, 50 की 4 भाई साहब समझो इधर। ड्रेस मतलब कुर्ती। तो भाई जितनी भी गर्ल्स अगर व्लॉग देख रही है तो भैया 50 की 4 उठा लो आके, चुपचाप 4 दिन पहनो चेंज करो। और भाई इधर इधर लेडीज़ और जेंट्स दोनों का है, और इधर बैग वगैरह आपको काफ़ी सस्ते मिले। भाई अमीनाबाद की खासियत है अगर ये आपको 100 का 1 बता रहे हैं तो आप उसको 50 रुपये में ले सकते हो, समझे ना, मतलब कुछ भी जितनी बार्गेनिंग आप करो उतनी कम। तो भाई यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है बार्गेनिंग करना, तो आपके साथ अगर कोई भी बार्गेनिंग करने वाला है तो भाई उसको लेके ज़रूर आइए, आप प्रॉफिट में रहेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर भाई काफ़ी भीड़ है, पर भाई ये है वो गली जहाँ से हम लोगों को उठाना है गिम्बल, मतलब लेना है गिम्बल, गणेशगंज दूल्हा घर वाली गली। एकदम आप सीधे चले जाइए, लास्ट से थोड़ा सा पहले आपको सिर्फ वहाँ पे डिजिटल शॉप मिल जाएंगी स्पेशली कैमरा की। अमीनाबाद में भाई मंदिरों की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, वहाँ पे उस साइड में इस साइड में। तो नवरात्रि और दीपावली की भाई आप लोग शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं काफ़ी अच्छे रेट पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि भाई इधर थोड़ा वो वाली शॉप है ना, मतलब क्या कहते हैं सोने चांदी की, इधर देख सकते हैं आप। ओ बेटे दशहरा में रावण बनना है वो ना, ये अपनी ड्रेस यहाँ से ले सकता है, मतलब अपनी कॉस्ट्यूम पीछे एक शॉप है वहाँ से ले सकता है। भाई जब आप लोग भी जाम का थोड़ा आनंद ले लीजिए, इधर पूरा जाम इधर पूरा जाम, बस ये भैया जो एक्सयूवी वाले हैं इन्हीं की वजह से जाम लगा हुआ है। ठीक है कोशिश करो कि भैया बाइक से आओ ज़्यादा बेटर है। भाई ये पहुँच गए हम लोग दूल्हा घर, गणेशगंज मार्केट, मतलब गणेशगंज रोड कह सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा और चलना है हमको, उसके बाद हमारी शॉप आ जाएगी। भाई सिर्फ ई गाड़ी जाम लगाए ब्रीजा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए भाई जहाँ पे कैमरा की शॉप है, यहाँ पे भाई अच्छी खासी पार्किंग मिलेगी आपको, चुपचाप गाड़ी लाओ चाहे ट्रैक्टर लाओ खड़ा कर दो ये। तो भाई सो गाइस पीछे कैमरे की शॉप है, लाइन से जितनी शॉप दिख रही हैं आपको सब डिजिटल कैमरे की शॉप हैं। और इस साइड में भी सारी शॉप, मतलब एक दो कपड़े की हैं बाकी सब कैमरे की शॉप हैं। तो अभी यहीं पे भाई देखते हैं हम लोग, मतलब कैमरा क्या, कैमरा भी है, एसेसरीज भी है कैमरा का, गिम्बल वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, गिम्बल गोप्रो और जितनी भी एसेसरीज आती हैं, मतलब जितने भी कैमरे आते हैं, कैमरे की एसेसरीज हो गई, बैटरी हो गई, मेमोरी हो गई, तो सारी चीज़ें आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएंगी। गणेशगंज ही कहलाता है ये, मतलब दूल्हा घर से थोड़ा सा अंदर आएंगे, थोड़ा सा अंदर क्या बस 10 दुकानें छोड़ के आपको सारी कैमरे की शॉप मिलेंगी। तो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं भाई अपना जो कुछ भी लेने आए, मतलब गिम्बल लेने आए, तो अभी भाई गिम्बल लेंगे, देखते हैं भाई। अभी हम लोग गिम्बल डिसाइड नहीं किया कौन सा लेना है,
रोनी नस्सी, रोनी नस्सी मिनी, RS2 जो भी समझ में आएगा अभी वो देखते हैं। उसने बताया था 30,000 रुपये। कौन सा? वहाँ पे सरदार जी के यहाँ, सरदार जी के यहाँ 30,000 ज़्यादा ये बताए थे। 30,500। तो अभी डिसाइड करते हैं भाई जो लेना होगा, चल के अभी शॉप पे देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग डिसाइड किए हैं सैनी फोटो गुड्स, अभी यहाँ देखते हैं। RS3 मिनी। सो गाइस अभी डिसाइड करते हैं RS3 मिनी लेना है कि मोजा Aircross 3 लेना है, Aircross 2 लेना है। RS3 मिनी में दो में कंफ्यूजन है, कोई एक लेना है, चलते हैं अभी। सो गाइस अभी वहाँ पे देखे, रेंज रेट का थोड़ा इशू आ रहा था, रेट अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा 500 रुपये का इशू आ रहा है। 500 रुपये का इशू आ रहा है। 500 मोमोज खाएंगे, 500 मोमोज खाएंगे, 3 बार चक्कर लगाएंगे लखनऊ टू वाराणसी, हनुमान धाम भी घूम लेंगे भाई। तो अभी देखते हैं भाई कोई दूसरी शॉप पे, क्योंकि हाँ क्योंकि भाई 1,500 भी बचाना बहुत ज़रूरी है। लवली स्टूडियो जाएंगे, लवली स्टूडियो सरदार जी के पास, जहाँ से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं प्राइम लेंस लिया, उसका व्लॉग नहीं आया था इसके चैनल पे पड़ा। लवली स्टूडियो, ये है लवली स्टूडियो, दैट्स कूल। तो यहाँ पे देखते हैं RS3 मिनी और मोजा Aircross 3। मोजा Aircross 3, RS3 मिनी, मोजा में स्टेबलाइजेशन इशू। तो रहने दो फिर। तो गाइस अभी मोजा Aircross 3 नहीं लेंगे, लेंगे RS3 मिनी। हमें तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या इंतजार कर रहे हैं भाई, आज बन रहा है, फाइनली आ गया। ये भाई DJI RS3 मिनी, पेमेंट करेंगे। इसका प्राइस अभी थोड़ा हम लोग वो रेट रेट कितना भैया RS3 मिनी 50 रेट सुन लिया ना आप लोग, नहीं सुने तो अभी हम आप लोगों को बता देंगे थोड़ी देर में। तो ये फाइनल कर रहे हैं हम लोग RS3 मिनी, एक हफ्ते से जिन्होंने पैसे कम नहीं किए थे, फिर से एक बार इंसान के ऊपर पहचान लीजिए एक बार। इन्होंने 1 रुपये नहीं छोड़े थे हमारे लेंस पे। सो गाइस अभी डॉलर से पेमेंट होने जा रहा है, यूट्यूब वाला डॉलर, डॉलर से पेमेंट हो चुका है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हुआ था। तोड़ दिया, तोड़ रहा है। देखो भैया ओपनिंग कर रहे हैं, सो फाइनली ओपन हो चुका है। वाह भैया वाह, अब तो कवर भी लोग ऐसे छूते हैं। क्या करें भाई, दुख दर्द पीड़ा समझ रहे हो ना दीक्षांत, अब तुम लेके दौड़ो कैमरा। तो भाई ये बॉक्स खाली हो रहा है, पता है खाली। हाँ वो भाई ताकि अंदर का सामान हिले ना, मतलब गिम्बल हिले ना, इसलिए लगाया जाता है। तो भाई ये है भाई, अगर लॉक चेक कर लो केवल RS3 मिनी, और भाई ये सस्ता बिल बनेगा, फिर वहाँ पे जाके कंफर्म बिल बनेगा, पेमेंट हो चुका। लेकिन फाइनली हम लोगों ने RS3 मिनी ले लिया है, ले लिया है, हाँ ले लिया, मतलब पेमेंट भी हो गया, हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है जीपे से। यार जीपे की है, मतलब गूगल पे की है, पेटीएम था, नॉट गूगल पे, नॉट जीपे। पिन पर मिलना है भाई, RS3 मिनी का रिव्यू है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, पूरा प्रॉपर बताएंगे जैसा भी होगा, क्योंकि हम भाई सेकंड टाइम यूज कर रहे हैं। ऑन तो है नहीं, वो करना पड़ेगा अपना सेकंड, अपना फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं, वो घर पर ले जा रहा था, वो सेकंड टाइम एक ही हो गया। एक एक्सिस फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस, हां सेकंड एक्सिस, सेकंड एक्सिस, ये ऑन द फिर होंगे। ओके सेकंड एक्सिस, सेकंड एक्सिस, हां थर्ड एक्सिस। तो ये RS3 मिनी 3 एक्सिस में होता है। भाई ये है कुछ एक्सेसरीज, चार्जिंग केबल टाइप C2C, और ये है भाई कुछ इसमें पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो फिर इसको चलाओ, मतलब इस गिम्बल को चलाओ। इसका क्या बोलते हैं वो बॉक्स मिल जाएगा क्या मेरे को? कहते हैं हाँ मिल जाएगा। किस रेंज का है बॉक्स इसका? 2800 रुपये का। 2800 रुपये का? 2800 रुपये का बॉक्स, बॉक्स खाली बॉक्स। हाँ सीरियसली खाली बॉक्स, अंदर कुछ नहीं होगा? भाई RS3 मिनी में एक प्रॉब्लम है कि भाई इसका डिब्बा आता है, नॉट बैग,
जो उधर भैया लिए हैं उनके पे देखिए अब बैग मिला हुआ है। हाँ सही चीज़ है यार, बॉक्स मिलना चाहिए यार। अलग से 3000 रुपये लगा, हाँ लॉकअप का देख लिया बैग लेके जाओ। भैया कोई पन्नीन दे दो। हाय दादा पन्नी दी ने भाई भाई बस पेमेंट चेक कर लेना भैया 30000। ठीक भाई, मतलब वाह 30000 में आपको ब्लैक पॉलीथीन मिलेगी उसको ले जाने के लिए घर। सो गाइस ये 30000 का बिल और ये है भाई एक काली सी पॉलीथीन में DJI Osmo 3 Osmo नहीं RS 3 है। अरे मिनी लगाना भूल गए थे आप लोग, समझा करो यार। बैग दे दो, ये काली पॉली थीन थमा देते हैं दुकान वाले। पता था एक बैग खुद ही लेके गया। हाँ यार झोला ले आते यार, सिलवा लेते हम घर से मम्मी से गए के। और भाई भाई दिल पे धक से बोलती है DJI वाले अगर तुम सुन रहे हो तो एक बैग दे दो ना, क्या दिक्कत है। हमारा बैग इतना महंगा बता रहे 4000 का, ऐसे कैसे दे भाई, ऐसे कैसे। इसको उतार दिया बोलते, इसको पकड़िए गाइस। तो भाई अभी पन्नी वाला DJI रॉनिन 3 RS मिनी हाथ में लेके चलते हैं। पन्नी पहुंचेगी या तो रॉनिन 3 पहुंचेगा। अबे भाई बहुत दुख हो रहा है यार, बैग दे देते भाई बैग। भाई अगर आप लोग गिम्बल लेने जा रहे हो ना बैग घर से लेके आना, गलत बात है यार। सो गाइस बैग वैग की बातें छोड़ो, और अभी भाई हम लोगों ने ले लिया है पॉलीथीन में दिया तो क्या हुआ, बार बार याद आ रहा है तो हम कहाँ करें भैया, याद दिला रहे हैं भाई DJI वालों को कि भाई बैग दे दो यार, दिक्कत होती है। तो भाई जो भी इसके रिव्यू हैं और जो भी शॉट्स होंगे वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे ब्लॉग में। फिलहाल अभी हमको यहाँ से थोड़ा अमीनाबाद में घर के लिए कुछ सामान लेना है, तो पहले चल के भाई सामान लेते हैं, और पहले तो भीड़ से लड़ाई करते हैं फिर निकलते हैं शॉप पे, तो थोड़ा सा सामान लेना है। तो भाई अभी फटाफट से चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे लिए हैं गुड़, बाबा जी गुड़ वाले। हाँ बाबा जी गुड़ वाले। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से गुड़ लेंगे, चॉकलेट गुड़ भाई 90 रुपये में, सौंठ तिल का गुड़ 120 रुपये में, उसके बगल है लखीमपुर 60 रुपये में। तो भाई हम लोग लिए हैं सौंठ तिल का गुड़ 1-1 किलो, 1 किलो हम और 1 किलो रोहित। तो भाई भीड़ देख रहे हो, रात हो गई लेकिन भीड़ डबल हो गई, इधर थोड़ा सन्नाटा है आगे फिर वैसे भीड़। दिखा भैया कुछ नहीं दिखा, आप देखो बनी हेलमेट, रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया तो भी काहे थे जुपिटर से। देखो भैया अमीनाबाद का भीड़, चारों तरफ सर सर दिख रहे हैं, सबकी मुंडी मुंडी दिख रही है भाई। अमीनाबाद में इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, देख रहे हो ना, दिखाए नहीं है, ले लिए शॉपिंग। अभी आलू ले लिए, अब भाई कुछ और लेते हैं अभी फिलहाल हम ना बोले थे ना अभी आईफोन के केस लेते हैं भाई, अभी देख रहे हैं। बाकी इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, घर का सामान था भाई अच्छा था, नहीं डेंगू से बचने का एक यंत्र भाई, कहीं भी जाओ लड़कों के लिए कुछ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ, कवर ही नहीं मिल रहे भाई को, सिर्फ लेडीज स्टॉक लगाओ पड़ा भाई। 3-4 दुकानें देखे सब जगह लेडीज की कवर, 30 रुपये से उठाओ 200 रुपये तक, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्वालिटी का हम लोग लेके आते हैं भाई कंपनी से, 500 रुपये का 1000 रुपये का, ऐसा कैसे चलेगा। एक आंटी वहाँ ली फिर यहाँ भी ले रही है, मतलब गर्ल्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोगों के पास बस एक भाई बताओ, 100-100 रुपये में सूट मिल जाते हैं, हम लोग एक शर्ट लेनी पड़ती है जो कि 1000 रुपये पड़ती है, स्टार्टिंग होती है 500 रुपये से, बाकी समझ रहे हो यार, बाकी बहुत भीड़ है भाई। और आप लोग अगर अमीनाबाद से शॉपिंग करना चाहते हैं दिवाली की तो प्लीज़ पैदल ही आइएगा, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिएगा उसके बाद आप पैदल चलिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। सो गाइस अभी
फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं भाई हनुमान धाम। तो आई थिंक यहीं पे ब्लॉग को एंड करना चाहिए, और अगर अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भारतीय कैमरा को, और अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब लोग पहुंच चुके हैं बाराबंकी अपने घर के पास में। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और ये है भाई जो हम लोग लेके आए हैं DJI RS3 मिनी। तो इसका पूरा रिव्यू आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जय माता की आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। टाटा बाय बाय।